पैरलेक्स होता क्या है? पैरलेक्स इज एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आर आई साइड वाइज। सिंपल तरीका, ये मान लो एक फिंगर है, मेरी जो लेफ्ट आई है इसको यहाँ से देख रही है और राइट आई यहाँ से देख रही है, दोनों एक जैसा देखती नहीं है। लेफ्ट आई यहाँ से देखेगी, राइट यहाँ से देखेगी। तो आप सोचो अगर लेफ्ट आई और राइट आई और एक ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो एंगल बनाया जाए, जैसे लेफ्ट आई और ये और राइट आई, ये जो एंगल ऑब्जेक्ट पे बनेगा उसको पैरलेक्स एंगल बोलते हैं। तो पैरलेक्स कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट के दो नजरिए देखने के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो वो जो दो अलग अलग फ्रेम है, एक लेफ्ट का अलग है राइट का अलग है, इसको पैरलेक्स बोलते हैं। और जो एंगल बनते हैं ऑब्जेक्ट पे जाके उसको क्या बोलते हैं? पैरलेक्स एंगल बोलते हैं। ये मेरी लेफ्ट आई है, ये मेरी राइट आई है और दोनों आईज में डिस्टेंस कितना है? बी। तो ये डिस्टेंस कितने ऑब्जेक्ट का? एस एंड एस, और ये थीटा। तो आप यहाँ पर लगाएंगे एंगल इज आर का बाई रेडियस, सुना होगा आपने। तो एंगल थीटा इज आर किसमें? बी है, और रेडियस इसमें क्या है? एस। तो यहाँ से आप जो भी है आप एस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसमें ये जो एंगल थीटा बनता है उसको क्या बोलते हैं? पैरलेक्स एंगल बोलते हैं या फिर पैरालेक्टिकल एंगल बोलते हैं। पैरलेक्स एंगल ज़्यादा फेमस है इसका। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये एंगल समझ में आ गया। अब क्या निकालना है? पैरलेक्स मेथड से मुझे अप्रॉक्सीमेट मून का डिस्टेंस निकालना है। अब मून का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? मून का डिस्टेंस निकालने के लिए ये मेथड बड़े काम का मेथड है। मान लो ये आपकी अर्थ है, ग्राउंड है, अर्थ है। अब अगर मैं मून को ऊपर देखूं और पैरलेक्स एंगल मून का निकालूं, मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे दो आंखों का एंगल क्या बनेगा? डिस्टेंस इतना बड़ा, एंगल ऑलमोस्ट जीरो ही बनेगा। इवन अगर मैं यहाँ से कार में रात को बैठ भी जाऊँ 10 बजे और सुबह या रात को 2 बजे दिल्ली पहुँचूँ, चाँद भी मेरे साथ साथ दिल्ली पहुँचेगा। तो मतलब कि दो आँखों का एंगल तो बड़ी दूर की बात है। दो बंदे अगर 50 किलोमीटर पर खड़े हुए हैं तो दोनों को लगेगा कि चाँद तो सिर पर खड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, दो आँखों को छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, एक बंदे को बिठाते हैं एक लोकेशन पर अर्थ की और दूसरे को कई 100 किलोमीटर दूर बिठाते हैं, ये रहा। अब उन इतनी दूर बिठाते हैं कि एक को मून यहाँ दिखे, एक को मून यहाँ दिखे, मतलब एक दूसरे के ऊपर दिखेगा, फिर तो क्या ही निकालोगे आप। तो इस बंदे का नाम है लेफ्ट आई, इसका नाम है राइट आई। अब ये दोनों जो दो लोकेशंस हैं, यहाँ से आप मून को देख रहे हो और अलग अलग एंगल पे देख रहे हो। तो ये क्या करता है, वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ इस लाइन को ज्वाइन करता हुआ इसे पूछा जाता है वर्टिकल के साथ मून कितने एंगल पे दिख रहा है, ये बोलता है 5-1। इससे पूछा जाता है वर्टिकल लाइन के साथ मून कितने एंगल पर है, 5-2। फिर हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट एंगल से 5-1, 5-2, तो टोटल एंगल कितना है, 5-1 + 5-2, और ये डिस्टेंस कितना है, बी। अब यहाँ पे लगाते हैं एंगल 5-1 + 5-2 इज आर्क बी बाय रेडियस एस। ये देखो, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब आपको अर्थ का डिस्टेंस बी तो पता ही होता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आपने डिस्टेंस कवर किया अर्थ के ऊपर। एस मून का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है। 5-1, 5-2 ये लोग आपको बता देंगे कितना है। तो अगर आपको 5-1, 5-2 पता है, आपको इसमें बी पता है, तो यहाँ से एस कैन बी कैलकुलेटेड। तो मून का डिस्टेंस पैरलेक्स मेथड से कैसे कैलकुलेट करने, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो ये एक तरीका है जिससे कि मून का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट। पहला पॉइंट ये। दूसरा, कोई कहता है कि काम करो मुझे स्टार का डिस्टेंस मेजर करके बताओ। अब स्टार तो मून से भी बहुत ज़्यादा दूर है। स्टार की तो ये कहानी है कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, चंडीगढ़ में खड़े हो जाओ, स्टार देख रहे हो, और मैं कहता हूँ आप कहीं साउथ में चले जाओ, स्टार देख रहे हो, दोनों को स्टार अपने सर पे नजर आएंगे। मतलब ऐसा नज़र नहीं आ सकता स्टार, स्टार इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है कि मतलब आप कहीं भी जाओगे स्टार आपके ऊपर ही दिखेगा। तो आप पैरलेक्स एंगल स्टार, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स है ना, पैरलेक्स एंगल बनता नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो बन जाता है। तो एक तरीका निकाला गया, तरीका ये निकाला, अर्थ मान लो ये ऑर्बिट है जिसमें अर्थ घूम रही है और ये सन है। तो अर्थ 365 डेज में एक चक्कर पूरा करेगी। तो मान लो अभी गर्मियां चल रही हैं और हम यहाँ पर हैं बी पॉइंट पे हैं, तो हमने ये स्टार आइडेंटिफाई कर दिया जिसका डिस्टेंस निकालना है। तो आज हमने देख लिया कि वर्टिकल के साथ इस स्टार का एंगल कितना था इस लोकेशन पे, थीटा 2। फिर 6 महीने कुछ नहीं करेंगे, 6 महीने बाद अर्थ की लोकेशन यहाँ पर आएगी सर्दी में। अब सर्दियों में देखेंगे वर्टिकल के साथ एंगल कहाँ पर है, क्योंकि एक लोकेशन ये रही, एक लोकेशन ये रही, थीटा 1 थीटा 2, और ये डिस्टेंस डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट अर्थ का हमें पता है। अब पैरलेक्स का मेथड लगाया, एंगल थीटा 1 + थीटा 2 इज आर्क, ये जो भी आर्क है ए बी, डिवाइडेड बाई रेडियस जो भी है डी। तो यहाँ से पैरलेक्स लगाया, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई
रेडियस, तो यहाँ से डी कैन बी कैलकुलेटेड। अब स्टार का तो कुछ कर नहीं सकते, स्टार है ही इतना दूर कि अपने को लुके। अब ये तो कह ही सकते भाई तू जुपिटर पे बैठ जा, मैं अर्थ पे बैठ जाता हूँ, स्टार को देखते हैं, ये तो रहना तो अर्थ पे ही है, तो अर्थ को घुमाना ही पड़ेगा दो लोकेशंस में, इसलिए दो लोकेशंस ली ऑर्बिट के अंदर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस स्टार के कैसे कैलकुलेट करते हैं, चैप्टर अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट चैप्टर कोई नहीं है, ठीक, ये अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है यहाँ तक। तो अभी असल बात तो ये है कि आजकल ये टेक्निक यूज़ भी कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं तो हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, फटाफट जाती हैं, फटाफट तो नहीं जाती, खैर स्टार में पहुँचने में बहुत टाइम लगता है पता ही है, जा नहीं सकती, मून तक तो चली जाती हैं, फिर भी मून से तो ट्रांसमिशन हो ही सकता है, तो क्योंकि स्पीड ऑफ 8 मिनट में तो पता ही है वो सन से भी लाइट आती है, तो फिर भी मतलब जो स्टार्स हैं वो तो और भी दूर हैं, तो वहाँ पर टाइम लगता है जाने में, लाइट ईयर्स पता ही आपको, लाइट ईयर दूर हैं, तो लाइट ईयर दूर तो यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक।